मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मम्मास चैनल। गुड मॉर्निंग। टुडे माय मम्मास मेकिंग इडली सांबर फॉर माय ब्रेकफास्ट। सो शी फिनिश्ड द सांबर, नाउ शी इज मेकिंग इडली। सो जब तक ब्रेकफास्ट बन रहा है तो बाकी के काम करती हो। यार मॉर्निंग में कितने सारे काम होते हैं, एक साथ ये भी करना है वो भी करना है, तो बहुत सारे काम एक साथ करने होते हैं। तो चलिए फटाफट से ये काम खत्म करते हैं। बस ऑलमोस्ट हो गया है ब्रेकफास्ट बनाना, सांभर में बस उबाल आ जाए, फिर हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। तो ये छोटे छोटे जो काम रहते हैं वो तो कुकिंग करने के बीच बीच में चलते रहते हैं। तो कुकिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ। तो इस बार मैंने एक या दो ही सब्जी ऑर्डर करी थी, मतलब मेन जो सब्जी होती है, जूस वगैरह का तो आता ही रहता है। तो आज मैंने सोचा कि कुकम्बर की सब्जी बनाती हूँ। ये खीरे की सब्जी यार बहुत अच्छी लगती है, मेरी मम्मी बनाया करती थी, बहुत टेस्टी, बट मुझसे इतनी अच्छी नहीं बनती। बट कभी कभी मैं बना लेती हूँ तो गलती से अच्छी बन भी जाती है। तो मैं इसके लिए मैंने कुकम्बर को काट लिए हैं, आपको जैसे मैं छोटे छोटे से काट लिए हैं क्योंकि बहुत छोटे कुकम्बर थे मेरे पास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई में, पैन में, जो भी आपके पास है उसमें ऑयल ले लेंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। अब मैं ये थोड़ा सा कुक हो जाए उसके बाद इसमें मैं थोड़ी सी हींग ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें एक टमाटर और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। आप लंबे लंबे काट के भी ग्रीन चिलीज डाल सकते हैं, आप इसको अनियन गार्लिक से भी बना सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसा बना सकते हैं, बट मैं सिंपल बिल्कुल बना रही हूँ। और आप इसमें छोटे छोटे आलू भी इसके साइज़ के काट के छोटे छोटे ऐड कर सकते हैं और उसको पहले फ्राई कर सकते हैं टोमेटो के साथ ही। तो मैं विदाउट पोटैटो ही मोस्टली सब्जियाँ बनाती हूँ, तो इसलिए मैं पोटैटो ऐड नहीं कर रही हूँ। तो टमाटर पहले अच्छे से भून लेना है हमें। अब इसमें हमें जो कुकम्बर हमने काट के रखे थे वो भी डाल के हल्का सा हमें इसे मसालों के साथ फ्राई कर लेना है। और ये थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है। तो इसमें पानी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो बहुत ज़्यादा पतला इसका ग्रेवी बना सकते हैं, थोड़ा थिक भी बना सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। बट इसकी पतली ग्रेवी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सो बस हो गया और इसको बॉयल आने देंगे। कोकम्बर तो जल्दी पक जाते हैं। और ये बन गई हमारी सब्जी। थोड़ा सा गर्म मसाला डालेंगे, थोड़ा सा धनिया, और मैंने इसको गैस उठा के इसलिए रख दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक है वो, उसकी प्लेट हमेशा गर्म रहती है तो ये ओवर कुक्ड हो जाता अगर उसी में रखा रहता। तो ये हमारी जो कुकम्बर करी है वो है रेडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? और ऑगी की अभी क्लास ख़त्म हुई है, क्लास वर्क देने के बाद लंच ब्रेक होने वाला है, राइट? यस। सो ऑगी अपना वर्क फिनिश कर रहा है और मैंने आज अपना बहुत जल्दी कुकिंग वगैरह कर लिया था। तो अभी ऑगी को लंच बना के दूंगी और बस जूस निकाला था तो जूसर क्लीन करना बाकी है। सो बहुत दिन से सोच, बीच में मैं बुक रीडिंग करती थी, करने लगी थी मतलब, और लॉकडाउन के टाइम पे तो बहुत दिन से सोच रही थी कि फिर से शुरू करूँगी। सो हो ही नहीं पा रहा था किसी ना किसी रीज़न से, कभी बहुत लेज़ी हो जाती थी कभी कुछ। तो आज मैं फाइनली बहुत दिन के बाद कुछ पेजेस पढ़े हैं मैंने एक बुक के, सानिया मिर्ज़ा के ऊपर है बुक, वो पढ़ रही थी मैं। तो थोड़ी जैसे ही मैं बुक पढ़ने लगती हूँ ना मुझे इतनी नींद आने लगती है, तो ऑलमोस्ट मैं, मेरी आँख बंद होने ही वाली थी कि फिर मैं अली नहीं यार, तो नींद आने मतलब सोने ही वाली थी, नहीं यार अभी सोने से नहीं होगा क्योंकि इसकी क्लासेस चल रही थी, फिर कुछ बोलेगी टीचर तो फिर
समझना मुश्किल होगा अगर मैं सो गई तो। तो ऐसा ले देकर ऐसे बहुत नींद आती है यार, बुक पढ़ने के नाम से पता नहीं लोग बुक कैसे पढ़ लेते हैं, मैं तो पढ़ने लगती हूँ और नींद आनी शुरू हो जाती है। तो चलिए फिर आगे का लंच बना के देते हैं और इसके बाद मिलते हैं। तो ऑगे का लंच तो काफ़ी पहले हो गया, तो मैंने बोला ऑगे का लंच बनाते, बट अब मैं इनका बना रही हूँ, ऑगे के पापा का। तो बस रोटियाँ बनानी है, दैट्स इट। मेरे लिए तो आजकल मैं अपना लंच लेट से कर रही हूँ, 2 बज रहे हैं और अभी मेरा लंच करी हूँ। और दिवाली में बहुत सारी मिठाई खाने के बाद अब मैं दलिया और सैलड यही खा रही हूँ 2 दिन से। तो क्या करें यार, बहुत खा लिया, दिवाली की मिठाई कुछ बची से हटा देती हूँ। शुरू हो गई है धीरे धीरे, होगी बहुत ज्यादा तो होती नहीं, फिर भी जितनी होती है इनफ है आपके लिए। तो विंटर में आराम से रजाई ओढ़ के कंबल ओढ़ के सो जाओ दिन में, बड़ा मजा आता है। बट यहाँ पे वो चीज हम रोज ही फील करते हैं, ऐसा लगता है एसी चला कर तो वैसे ही फीलिंग आ जाती है। तो विंटर में दिन में सोने का जो मजा है और किसी चीज में नहीं है। सब दिवाली से पहले अपने कबर्ड वबर्ड क्लीन करके उनको अरेंज करते हैं और मैं दिवाली के बाद करती हूँ, क्योंकि कपड़े पहन कर जल्दी जल्दी में इतने सारे काम होते हैं फेस्टिवल में कि रख दिए जाते हैं ऐसे ही। देख रहे हो आप मेरा कबर्ड की हालत क्या हो रही है, तो मैंने सोचा था मैं इसे दिवाली के बाद ही क्लीन करूँगी। तो अभी भी मैं पूरा एक साथ क्लीन नहीं कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करूँगी, एक साथ करने में बहुत टाइम लगता है। तो पहले दो दो ऐसे पोर्शन करके फिर इसको करूँगी धीरे धीरे, एक साथ तो मुझसे पॉसिबल नहीं है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जैसा कि मैंने बोला था कि पूरा क्लीन नहीं करूँगी, तो सामने के ये दो जो मेरे डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो कर दिया है और ऊपर का अब बाद में किया जाएगा रोज़ थोड़ा थोड़ा। तो 5 बज रहे हैं और ऑगी और मैं जा रहे हैं, ऑगी साइकिलिंग के लिए और मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए, राइट। राइट। देखते हैं क्या जॉगी कितना बाइसिकलिंग करता है, थोड़ी देर करेगा उसके बाद बोलेगा आई डोंट हैव फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग बोर्ड, आई वॉन्ट टू गो होम, राइट, यू विल से लाइक दैट, राइट। यस। हार्डली इसने 1 राउंड किया होगा साइकिलिंग का और बस इसको भूख लगे, सो अब बैठ के अपना खा रहा है और मैं राउंड राउंड वॉक कर रही हूँ। कितना ब्यूटीफुल लगता है जैसे ही इवनिंग हो जाती है, सो यहाँ से मज़ा आता है वॉक करके भी और सीनरी भी बहुत अच्छी है। और ऑलमोस्ट हमारे घर जाने का टाइम हो रहा है, चलिए घर चलते हैं। और घर चलते चलते कुछ सुपर मार्केट से लेना था मुझे, तो हम सुपर मार्केट चले गए थे। नो नीड। Come on, No. वॉक करके आने के बाद इतना ज़्यादा वॉक कर लिया कि और कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। और पीछे इतने सारे बर्तन धो कर गई थी मैं, अभी ये पहले जमाना है, उसके बाद डिनर बना रहे हैं ऑगी का रोटी। तो चलिए फटाफट से ये काम करती हूँ, उसके बाद डिनर बनाती हूँ। आर यू डूइंग अंडर द टेबल? हाँ, दिस इज द वे ऑफ प्लेइंग। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हम यही एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।